नोएडा एक्सटेंशन की चार मूर्ति से हार्डली 5 मिनट के डिस्टेंस पर आज की हमारी सोसाइटी 14th Avenue आ जाती है, जिसमें एक 3 बेडरूम अपार्टमेंट आए सेल के लिए। ये 3 बेडरूम अपार्टमेंट न्यूली कंस्ट्रक्टेड और माइवन कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड है। और बात करें इसके डिमांड की, उतने में तो 2 बेडरूम अपार्टमेंट भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स चेक इट आउट। सोसाइटी में आप जैसे ही एंटर करेंगे, यहाँ पे हमारे अपार्टमेंट का टावर आ जाता है और इस टावर के ऊपर फ्लोर पे हमारा अपार्टमेंट आ जाता है। अपने फ्लोर पे चलने से पहले टावर की लॉबी देख लेते हैं। सो डेट वॉज द लॉबी। अब चलते हैं अपने अपार्टमेंट के फ्लोर पर। अपने फ्लोर पे आने के लिए लिफ्ट का यूज आपको करना पड़ेगा। टावर में टोटल नंबर ऑफ फ्लोर की बात करें 28 हो जाता है और हमारा फ्लोर भी 28 हो जाता है, मतलब टॉप फ्लोर। और बात करें अपने फ्लोर की कॉन्फ़िगरेशन की, तो 1, 2 और ये 3 लिफ्ट मिल जाता है पर फ्लोर। 4 अपार्टमेंट हमारे इस विंग के अंदर आ जाते हैं और 4 अपार्टमेंट हमारा इस विंग के अंदर आ जाता है। टोटल 4, 4, 8 अपार्टमेंट, 3 लिफ्ट पर फ्लोर। और आज का हमारा अपार्टमेंट वो इस विंग में आ जाता है। चलते हैं। सो स्टेयर्स आप जैसे ही ऊपर आएंगे, इसके जस्ट बगल में हमारा अपार्टमेंट आ जाता है। हमारे अपार्टमेंट के आगे आपको स्पेस भी मिल जाता है। सो ये कम से कम वन ऑफ द चीपेस्ट 3 बेडरूम अपार्टमेंट जो कि माइवन कंस्ट्रक्शन से बना हो। ये अपार्टमेंट आपको बिल्डर कंडीशन में मिलेगा। तो बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अपार्टमेंट का फ्लोर तो आपको पता चल गया। बात करें एरिया की, वो 1175 स्क्वायर फीट हो जाता है और ये हमारा 15x10 का लिविंग एरिया हो जाता है। तो ये हमारा 15x10 का लिविंग एरिया हो जाता है। हमारे लिविंग एरिया में एक बड़ा सा विंडो मिल जाता है फॉर वेंटिलेशन एंड सनलाइट। एक बार यहीं से अपार्टमेंट की कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ। वहाँ पे हमारा फर्स्ट रूम आ जाता है, उसके आगे हमारा सेकंड रूम, उसके आगे हमारा थर्ड रूम आ जाता है। लाइन से हमारा 3 रूम आ जाता है और यहाँ पे हमारा किचन आ जाता है। अब अपने लिविंग एरिया के इस विंडो को देख लेते हैं। लिविंग एरिया में वेंटिलेशन सनलाइट के लिए आपको ये बड़ा सा स्लाइडिंग विंडो मिल जाता है और व्यू आपको कुछ खास नहीं मिलता, ये व्यू मिल जाता है। लेकिन हमारे इस अपार्टमेंट में आपको वेंटिलेशन और सनलाइट का कोई इशू नहीं आने वाला। अब आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे हमारा फर्स्ट बेडरूम आ जाता है। रूम के एंट्रेंस पे आपको वुडन गेट मिलेगा। सो हियर कम्स द फर्स्ट बेडरूम ऑफ दिस अपार्टमेंट। डायमेंशन 10x10 का हो जाता है। हमारे रूम में वेंटिलेशन सनलाइट के लिए वहाँ पे एक बड़ा सा विंडो मिल जाता है। नीचे विंडो एसी का प्रोविजन मिल जाता है, ऊपर स्लाइडिंग विंडो मिल जाता है और साथ में अटैच ये बालकनी मिल जाती है जहाँ पे आप प्लांटेशन कर सकते हैं, छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं। और बात करें व्यू की, वो एकदम जबरदस्त मिल जाता है। हैव अ लुक। है ना एकदम बढ़िया। अब आगे चलते हैं। तो हमारा लिविंग एरिया, हमारा फर्स्ट बेडरूम कवर हो चुका है। अब आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हमारा एक रनिंग लॉबी आ जाता है और इस लॉबी से अटैच यहाँ पे हमारा फर्स्ट वॉशरूम और हमारा कॉमन वॉशरूम आ जाता है। 9x4.5 का डायमेंशन आ जाता है। वेंटिलेशन सनलाइट के लिए वहाँ विंडो मिल जाता है और यहाँ पर एक गेट मिल जाता है जो हमारे सेकंड बेडरूम से कनेक्ट करता है, मतलब इसके जस्ट बगल में हमारा सेकंड बेडरूम आ जाता है। और बात करें हमारे सेकंड रूम के डायमेंशन की, वो 10.5x10 का हो जाता है। और जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, इस रूम में भी वेंटिलेशन सनलाइट का कोई इशू नहीं आने वाला। रूम में ये बड़ा सा विंडो मिल जाता है फॉर वेंटिलेशन और सनलाइट और ये विंडो हमारा स्लाइडिंग विंडो हो जाता है जो कि सीधे हमारी बालकनी की तरफ खुलता है। एल शेप की हमारे अपार्टमेंट की मेन बालकनी हो जाती है। और बात करें इस विंडो से व्यू की, तो आप देख सकते हैं, बाकी बालकनी से मेन व्यू जल्दी देखेंगे। और हमारे रूम से लगा हुआ यहाँ पे एक वॉशरूम आ जाता है। हाँ, वही हमारे अपार्टमेंट का फर्स्ट वॉशरूम और हमारा कॉमन वॉशरूम, वहाँ से आप लिविंग एरिया को एक्सेस कर सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने किचन सेक्शन की तरफ। सो हियर कम्स द किचन सेक्शन ऑफ दिस अपार्टमेंट। किचन में आपको पैरेलल प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, डायमेंशन इसका 7x8 का हो जाता है। हमारा ये किचन आपको बिल्डर कंडीशन में मिलेगा, सारा सैनिटरी फिटिंग कंप्लीट मिलेगा, स्लैब लगा हुआ मिलेगा और हमारे इस किचन के साथ अटैच वहाँ पे यूटिलिटी बालकनी मिल जाती है और इस बालकनी के थ्रू आपको धूप और वेंटिलेशन भी बढ़िया मिल जाएगा। सो दैट्स अवर यूटिलिटी बालकनी और ये हमारी फर्स्ट बालकनी भी हो जाती है। ये बालकनी हमारी 4 फीट वाइड हो जाती है। इस बालकनी के अंदर आपको टैप और इलेक्ट्रिक बोर्ड का प्रोविजन मिल जाता है, व्यू आपको ये मिल जाता है। अपार्टमेंट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं अपने अपार्टमेंट के लास्ट सेक्शन की तरफ। हमारा थर्ड रूम, हमारा लास्ट रूम और हमारा मास्टर बेडरूम भी हो जाता है। सो हियर कम्स अवर लास्ट एंड थर्ड बेडरूम ऑफ दिस अपार्टमेंट। डायमेंशन 10x11 का हो जाता है। हमारे इस रूम के अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है उसको देख लेते हैं। वहाँ पे एक बड़ा सा कबर्ड स्पेस मिल जाता है और उसके बाद एक बड़ा सा अटैच बालकनी मिल जाती है और अटैच एक वॉशरूम मिल जाता है जो हमारे अपार्टमेंट का सेकंड वॉशरूम भी हो जाता है। हमारे सेकंड वॉशरूम का डायमेंशन 7x4 का हो जाता है। वॉशरूम में वेंटिलेशन सनलाइट के लिए वहाँ पे एक विंडो मिल जाता है और हमारे रूम में वेंटिलेशन सनलाइट के लिए यहाँ पे एक बड़ा सा ग्लास डोर मिल जाता है जो कि ओपन होता है अपार्टमेंट के सबसे बड़े बालकनी की तरह। और ये बालकनी अपार्टमेंट की मेन यूएसपी भी हो जाती है क्योंकि इस अपार्टमेंट के अंदर आपको 8.2 फीट वाइड मैसिव बालकनी मिल जाती है, वो भी एल शेप की मैसिव बालकनी। थोड़ा आगे चलते हैं और उस कॉर्नर से दिखा देता हूँ आपको। तो ये हमारे अपार्टमेंट की मेन बालकनी हो जाती है जो कि हमारे सेकंड रूम के विंडो से लेके स्टार्ट होती है और एल शेप में वहां तक जाती है। बालकनी में काफी बढ़िया स्पेस मिल जाता है, काफी लोग इसको मॉडिफाई करा लेते हैं, बालकनी के इस पोर्शन को कवर करके एक स्टडी रूम भी बना लेते हैं। मॉडिफिकेशन के लिए स्पेस काफी बढ़िया मिल जाता है। सोसाइटी के अंदर काफी लोगों ने इस बालकनी को मॉडिफाई करके काफी बढ़िया तरीके से यूज कर रखा है। अब बात करें हमारे इस बालकनी से व्यू की, सो दिस बालकनी कम विद दिस ब्यूटीफुल अमेजिंग व्यू।
अच्छा तो बात करें अपनी इस अपार्टमेंट की डिमांड की, सो डिमांड फॉर दिस अपार्टमेंट इज जस्ट 50 लाख रुपीज, बस 50 लाख। इफ इंटरेस्टेड इन दिस ब्यूटीफुल 3 बेडरूम अपार्टमेंट तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मिलते हैं लोकेशन पे या फिर नए डील के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।